बहुत लोग पूछते हैं महाराज स्त्रियों को माला धारण करना चाहिए कंठी धारण करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यहां पर लिखा सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञया। रुद्राक्ष धारण करने का सबको अधिकार है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी है, हर व्यक्ति किसी भी जाति का हो वह रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही रुद्राक्ष धारण करे या बनिया ही रुद्राक्ष धारण करे या क्षत्रिय ही रुद्राक्ष धारण करे, नहीं, शूद्र भी रुद्राक्ष आदि को धारण कर सकता है। यहाँ पर शिव पुराण में ऐसा लिखा है हस्ते बाहु तथा मूर्धनि रुद्राक्षं धारयेत् यः अवध्यः सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरेत् भुवि। शिवजी कहते हैं देवी जो जीवन में मेरा उपासना करता है त्रिपुण्य भस्म धारण नहीं करता रुद्राक्ष धारण नहीं करता उसकी पूजा मैं सहज स्वीकार नहीं करता। शिव पूजन के लिए यहां पर शेष बताई कि आपको शिव पूजन के लिए रुद्राक्ष धारण करना त्रिपुंड लगाना परम आवश्यक है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवे दस कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नरः। जो व्यक्ति अपने मंत्र को गुरु मंत्र को या अपने इष्ट के मंत्र को रुद्राक्ष की माला से धारण करता है जप करता है उसे 10,000 गुना ज्यादा फल मिलता है अन्य मालाओं की अपेक्षा। उसको धारण करने और जो रुद्राक्ष को धारण कर लेता है उसको तो करोड़ों गुना ज्यादा फल सुंदर फल की प्राप्ति होती है। यावत कालम ही जीवस्य शरीरस्थो भवेत् सवई तावत् कालम् स्वल्प मृत्युर् न तम देहि विधात्यते। जो भक्त जीवन में रुद्राक्ष धारण करके रखता है भगवान शिव के रुद्राक्ष को सिद्ध करके धारण करता है यहां पर स्पष्ट लिखा भगवान भोलेनाथ कहते हैं उसकी अल्प मृत्यु नहीं हो सकती। अल्प मृत्यु यानी अकाल मृत्यु नहीं होती है जो रुद्राक्ष धारण करके रखता है। बिना समय के पहले कभी नहीं मरेगा जो रुद्राक्ष धारण किया समय में ही जाएगा। यहां तो बहुत चीजें लिखी हैं त्रिपुंडे च संयुक्तम रुद्राक्ष बिलसांगकम मृत्युंजयम जपंतम च दृष्ट्वा रुद्र फलम लभे। जो भगवान शिव के रुद्राक्ष से भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है वह भी महामृत्युंजय मंत्र रुद्राक्ष के द्वारा यदि जपा जाए तो वह भी अद्भुत फल को देने वाला है। हमेशा ध्यान रखिए यदि हम महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं तो रुद्राक्ष से ही जपना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र कथा में आगे आएगा तो हम आपको जिस दिन भी कथा में आएगा सुनाएंगे महामृत्युंजय मंत्र धरती पर क्यों आया महामृत्युंजय मंत्र को जपने से क्या होता है। हमारे ऊपर तो जजमानों का चल रहा है महामृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का यहाँ पर वर्णन करते हैं महाराज आप बताइए पंचदेव प्रियश्चैव सर्वदेव प्रियस्तथा सर्व मंत्रा जपेत भक्तो रुद्राक्ष मलय प्रिय। महाराज रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से रुद्राक्ष होते हैं कौन से रुद्राक्ष को धारण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है मुझे यह भी विस्तार से बताएं। और यहाँ एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को क्या कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अब प्राप्त हो जाए तो क्या फल मिलता है यह विस्तार से चर्चा करते हैं। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फल प्रदा तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्यां विपोहति। यदि आप सबको किसी को भी एक मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल मिल जाए एक मुखी रुद्राक्ष
भगवत प्रेमियों, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष आप अपने पूजा के कक्ष में रख दीजिए और पूजा के कक्ष में रख करके एक मुखी रुद्राक्ष की नित्य सेवा करिए। चमन चावल फूल लगाकर शिव का रूप मानना चाहिए। और एक मुखी रुद्राक्ष जिसे प्राप्त हो जाता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। अचूक लक्ष्मी देने वाला एक मुखी रुद्राक्ष। भगवान ना करे किसी के घर में गरीबी हो, लेकिन आपके परिचित किसी की है, प्रयास करके कहीं से, ज्यादातर नेपाल में रुद्राक्ष की प्राप्ति होती है, अपने यहां भी होती है, पर एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं एक सीजन में एक मुखी रुद्राक्ष एक पेड़ में एक ही लगता है। एक सीजन में एक मुखी रुद्राक्ष एक पेड़ में एक ही लगता है, इसलिए दुर्लभ है, दुर्लभ बताया गया। एक मुखी रुद्राक्ष को रुद्राक्ष नहीं समझना चाहिए, साक्षात शिव समझना चाहिए कि हमारे पास में साक्षात भोलेनाथ जी हैं। हमारे भोले बाबा का रूप मानना चाहिए। यदि एक मुखी रुद्राक्ष किसी को गलती से कोई हत्या हो गई हो और एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर ले, उसके हत्या जैसा पाप दूर हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं ना संत्योत्पत्रवाह सर्वे सर्वकामा भवन्ति ही। जिसके घर में अशांति रहती हो, उपद्रव होते हो, कलह बनी रहती हो, वह भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है या रख सकता है अपने घर में, अपार फल की प्राप्ति। दूसरा मुखी रुद्राक्ष का धारण करने का रूप बताया। द्विवक्त्रो देव देवेशा सर्व काम फल प्रदा विशेषतः सरुद्राक्षो गोबधम नाशये द्रुतम। जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है, दो मुखी रुद्राक्ष का नाम है देव देवेश्वर। पहले का नाम शिव और दूसरे का नाम है देव देवेश्वर। देव देवेश्वर नामक यानी दो मुखी रुद्राक्ष से प्राप्त हो जाए और दो मुखी रुद्राक्ष को अपने माला में धारण कर लीजिए। संपूर्ण कामनाओं को तो यह माला पूरा करता ही है दो मुखी रुद्राक्ष, लेकिन साथ साथ यदि आपके हाथों से कभी गलती से गो हत्या हो गई हो, जानबूझकर करोगे तो कुछ कोई चीज असर नहीं करने वाली, सोचो जानबूझ को कोई पाप कर दे फिर रुद्राक्ष धारण कर लेंगे बच जाएंगे, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। यदि गलती से किसी से गो हत्या जैसे पाप हो जाए, किसी जीव हत्या का पाप हो जाए और देव देवेश्वरी ने दो मुखी रुद्राक्ष यदि उसे प्राप्त हो जाए, यह गो हत्या जैसे पापों को नष्ट कर देता है। पाप तो होते ही हैं, सबसे हम सबसे पाप होते हैं, लेकिन यदि दो मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो भगवत प्रेमियों सारी बाधा दूर हो जाती है। इसलिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत श्रेष्ठ होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष तिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधन दह सदा तत्र भावात् भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुखी रुद्राक्ष का नाम है साधन। तीन मुखी रुद्राक्ष का नाम साधन है और इस साधन नामक यानी तीन मुखी रुद्राक्ष को जो धारण कर लेता है, यह सबसे ज्यादा फल देता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, मंद बुद्धि के हो, बहुत बच्चों के बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, बीमार रहते हैं, ऐसे बच्चों को तीन मुखी रुद्राक्ष प्रयास करके मंगाना चाहिए। मैं लगा हुआ हूं, मैं जब पढ़ा 10-15 दिन पहले, मेरी बात नेपाल में चल रही है, ठाकुर जी देखिए कितने भेजते हैं, कौन कौन से मुखी, सभी के अलग अलग रेट, बड़े महंगे महंगे,
हमें जो जो चाहिए हमने भक्तों के लिए अपने जो शिष्य परिवार है, मेरे मन में उस अशोक बिहार कथा चल रही थी, आया कि हम दें। नेपाल में हमारे दो चार परिचित हैं, उनसे फोन लगाया। एक एक रुद्राक्ष की कीमत, तीन मुखी रुद्राक्ष का उन्होंने 4,000 रुपए। हमने कहा कोई बात नहीं, कम से कम 20-30 रुद्राक्ष भेजो। अब देखिए मिलता नहीं मिलता, बोले प्रयास करते हैं महाराज जी। 7 मुखी, 8 मुखी, 1 मुखी, 3 मुखी, इनको हमने विशेष रूप से मांगा है। बहुत बहुत सुंदर चीजें हैं। बहुत हमारे शिष्य लोग परेशान रहते हैं, अब आ जाए तो ठाकुर जी कृपा हो भोले बाबा की। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला बच्चा प्रखर बुद्धि का होता है, उसे याद नहीं होता, याद होने लग जाता है और उसे याददाश्त उसकी तेज होती है। अब ऐसा नहीं है कि घर में रुद्राक्ष ले लोगे और पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन याद होने लगेगा, याददाश्त बढ़ेगी और उसका कार पढ़ने में मन लगने लगेगा। इतना प्रयास तो करना पड़ेगा। तो 3 मुखी रुद्राक्ष विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। विद्या के लिए जो 4 मुखी रुद्राक्ष है,